गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट फोर ऑफ चैप्टर द लीफ एंड द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ऑर्गेनेलीज. एक्चुअली देर आर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. सो वॉट एक्चुअली आर द ऑर्गेनेलीज? ऑर्गेनेलीज दे आर मेनी स्ट्रक्चर्स दैट हैव डिफरेंट डिफरेंट शेप्स विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड देयर वॉट इज ऑल द डिफरेंट ऑर्गेनेलीज दे डू डिफरेंट फंक्शंस मीन्स देयर वर्क्स आर डिफरेंट. सो वॉट आर ऑर्गेनेलीज? दे आर मेनी स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म टू डू डिफरेंट फंक्शंस. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ऑर्गेनेली एंड द नेम ऑफ द ऑर्गेनेली इज माइटो, MITO, माइटो, देन कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया. इफ यू से माइटोकॉन्ड्रिया इट मीन्स यू आर सेइंग इट प्लूरल. अगर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया एक ही बात करनी है तो इट विल बी कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियन. माइटोकॉन्ड्रियन मीन्स सिंगुलर. अगर दो या दो से ज्यादा हैं देन दे आर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया. आई विल शो यू इन द बुक ऑल्सो हाउ वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रियन. सी हेयर इन दिस डायग्राम. If you look at this diagram, see here, these two, one, this one and this one. Okay, this and this, they are the mitochondria. Okay, अगर मैं एक ही mitochondria की बात करूँ, इसकी अकेले की बात करूँ तो मैं बोलूँगी mitochondrion, O-N, on. अगर दोनों लिखे हैं, दोनों दो बनाए हैं या दो से ज़्यादा बनाए हैं, then we will say it mitochondria. Okay, so this organelle is called mitochondria. अगर एक है तो mitochondrion. As we talked about nucleus, we said nucleus is having double membrane. Means two layers are there, two membranes are there. Same way, mitochondria is also having two membranes. Okay, it is double membrane structure. It is having two membranes. Okay, the outer membrane एक होती है इसकी, outer membrane एक होती है inner membrane. Just see here, this diagram. दो इसकी दो लेयर्स नहीं है, दो मेम्ब्रेन्स ऐसी नहीं है, बिल्कुल रेगुलर नहीं है. है दो मेम्ब्रेन्स ही हैं. ऐसी जो मेम्ब्रेन्स थी वो न्यूक्लियस में थी, लेकिन इसकी जो मेम्ब्रेन्स है आउटर वाली तो देखो बिल्कुल राउंड है, बिल्कुल राउंड. लेकिन जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है उसमें क्या है, उसमें फोल्ड्स हैं, फिंगर जैसे ऐसे फोल्ड्स बने हुए हैं. जैसे मेरी ये फिंगर्स हैं ऐसे, इसमें ऐसे फोल्ड्स बने हुए हैं. आउटर मेम्ब्रेन इज बिल्कुल राउंड. अंदर वाली ये जो पूरी, ये देखो ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी मेम्ब्रेन जो है इट इज़ कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन. लेकिन इसके ये जो फोल्ड्स हैं फिंगर जैसे, इनको बोलते हैं क्रिस्टे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द एग्जाम. दे कैन आस्क यू दिस वे इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग द blank or it can come what are cristae or they can ask it this way also that the inner membrane of mitochondria has finger like folds called dash then you have to write cristae. मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया की दो लेयर्स होती हैं. जो बाहर वाली लेयर है, बाहर वाली मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, वो बिल्कुल राउंड है. अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो राउंड नहीं है, उसमें ऐसे 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 खुरदरा खुरदरा सा, मतलब अप डाउन्स हैं. तो ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन, इसमें ये जो फिंगर जैसी ऐसी प्रोजेक्शंस है, कैन यू सी ना, सी हेयर फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस ऐसे, तो दे आर कॉल्ड द क्रिस्टे. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करता है? You know that when we eat food, we get energy. हमने खाना खाया, हमारी बॉडी में फूड गया और हमें एनर्जी मिलती है. एक्चुअली वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, कौन बना रहा है वो एनर्जी? दैट एनर्जी इज एक्चुअली मेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया. हर सेल हमारा खाना यूज़ करेगा. हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सभी सेल्स में फूड जाएगा एंड ऑल द सेल्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया. तो क्या होगा, जैसे ही फूड माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो वो फूड ऑक्सीजन के साथ यूज़ हो जाएगा. ऑक्सीजन जो है, खाना ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी बना देगा एंड उस एनर्जी का नाम होता है एटीपी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल एटीपी का यहाँ पे क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने घर पे खाना बनाना है, यू हैव टू थ्री ऑप्शंस. या तो आप एलपीजी सिलेंडर यूज़ करके खाना बना सकते हैं, वहाँ से आपको एनर्जी मिल सकती है. या फिर आप मतलब कि आप बना सकते हैं, कोल यूज़ करके खाना बना सकते हैं, और यू कैन यूज़ वुड ऑल्सो. आप लकड़ी यूज़ करके भी चूल्हे पर खाना बना सकते हैं. सो यू हैव डिफरेंट ways of making food, of getting energy from the food. Same way in the mitochondria what happens, we eat the food. ओके वो फूड हमारा सेल के अंदर चला गया, ठीक है. सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है. तो माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, उस फूड को ऑक्सीजन के साथ यूज़ कर लिया और उसने एनर्जी बना दी. कौन सी एनर्जी बनाई है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एटीपी. हमारी बॉडी में कौन सी एनर्जी बनती है, एटीपी. एंड द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी जनरली कम्स इन द पेपर. द फुल फॉर्म इज एडीनो. पहले ए बोलना है, एडीनो, फिर सिन, एडीनोसिन, देन टी फॉर ट्राई एंड पी फॉर फॉस्फेट.
So A stands for adenosine, T for tri and P for phosphate. So the full form of ATP is adenosine triphosphate. Okay. Now the next question which comes is that what is the other name of mitochondria? The other name of mitochondria is powerhouse of a cell. It is called the powerhouse of the cell. Powerhouse का मतलब होता है जहाँ पे बिजली बनती है. तो जहाँ पे बिजली बनेगी वहाँ से हमारे घर के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. ओके, सेम वे माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावरहाउस ऑफ द सेल. वाई? बिकॉज इनसाइड द सेल माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या बन रही है? एनर्जी बन रही है. सो एनर्जी इन अ सेल इज प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया only. They are the energy producing sites. Sites means areas. Now how do they produce energy? This is the thing here. हमने food खाया, वो food हमारी body के हर cell में चला गया. हर cell में अब क्या है? Mitochondria है. तो mitochondria is going to use that food. और हर cell में oxygen भी है. तो दोनों जाने friends हैं, तो आपस में react करके बनाएंगे energy. And that energy is called ATP. And the full form of ATP is adenosine triphosphate. So there are three important questions in mitochondria. Number one, what are cristae? Cristae, just again have a look at this diagram. Cristae का मतलब है the inner membrane of mitochondria. Remember, जब भी word cristae आएगा तो आपके mind में सबसे पहले आना चाहिए mitochondria. कि cristae किस में present है? Mitochondria में ही present है. तो cristae means the inner membrane of mitochondria has finger-like, see here, has finger-like folds called, is a full form of ATP. It is adenosine triphosphate. Third question is, mitochondria is called powerhouse of the cell. Why it is called powerhouse of the cell? Because in mitochondria, energy is produced, energy is made. Kisse banti hai energy? From the food and the oxygen. Now I'm going to show you the organelles in this diagram. See here, this is the animal cell. You can see number of organelles. Nucleus ko chhod do. I have put my finger on the nucleus. Theek hai, when I put the finger on the nucleus, now you can see this mitochondria. Can you see the shape of mitochondria? I'll show you the proper diagram also. See here, this is the diagram showing only and only the mitochondria. It is a diagram of only mitochondria. Bahar wali layer called outer membrane. Andar wali ko inner membrane. Aur inner membrane ke paas ye finger jaise aise ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और फोल्ड्स आर देयर कॉल्ड द क्रिस्टे. सो दिस वॉज अवर फर्स्ट ऑर्गेनेली. बाकी बहुत और भी ऑर्गेनेलीज होती हैं. तो हमारी फर्स्ट ऑर्गेनेली का नाम था माइटोकॉन्ड्रिया. द सेकेंड ऑर्गेनेली इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न द नेम्स. द फर्स्ट ऑर्गेनेली वॉज माइटोकॉन्ड्रिया एंड द सेकेंड इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज ER. ओके, ER, E मीन्स एंडोप्लाज्मिक एंड R स्टैंड फॉर रेटिक्यूलम. दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर होता है, दे आर जस्ट लाइक अ ट्यूब. ठीक है, ट्यूब मीन्स लाइक समथिंग एक ऐसी है और एक ऐसी है, देन नीचे से ऐसी है, लाइक दिस. इट इज़ समवट लाइक दिस. सो इट इज़ द स्ट्रक्चर इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर ऑफ टू टाइप्स. इनकी शेप जो होती है वो ऐसी होती है, लेकिन ये दो तरह की होती हैं. फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड आर कॉल्ड द स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब दोनों में क्या फ़र्क है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे. अब राइबोसोम्स क्या हैं? दाने दाने. उनके ऊपर कुछ कुछ दाने दाने प्रेजेंट होंगे, लेकिन स्मूथ के ऊपर कोई दाने नहीं प्रेजेंट है. यू कैन सी हेयर, जस्ट सी ऑन माई स्किन. सी हेयर ऑन माई स्किन देर इज वन मोल प्रेजेंट. इफ दिस मोल इज प्रेजेंट मीन्स माई स्किन हेयर इज रफ. ओके, हेयर द स्किन इज रफ. हाउएवर हेयर नथिंग इज प्रेजेंट, सो द स्किन इज स्मूथ स्किन. सेम वे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स खुरदुरा. खुरदुरा मीन्स इट इज हैविंग राइबोसोम्स ऑन देम. लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि वो सॉफ्ट है, उनके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल, जस्ट सी हियर, आई हैव मेड टू डायग्राम्स. ठीक है, द फर्स्ट वन क्योंकि उनके ऊपर कोई दाने नहीं है, सो इट विल बी कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और सेकंड वाले के ऊपर मैं ऐसे डॉट डॉट्स बना रही हूं. ऐसे डॉट 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 का मतलब है मैं इनके ऊपर राइबोसोम्स बना रही हूं. ठीक है, व्हाट आर राइबोसोम्स? दैट वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. तो अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं उनके ऊपर, तो दे आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER. अगर नहीं प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस रिटन इन शॉर्ट. ओके,
Now, what are the functions of endoplasmic reticulum? First is, it gives support to the cell. Just see here this diagram of cell. Okay, this is an animal cell because it is not having any cell wall. सबसे पहले इसकी बाहर वाली membrane is called the cell membrane. Second, inside there is a nucleus. Okay, first one cell membrane, then there is a nucleus. Okay, just next to the nucleus there is present this ER. अब देखो नीचे ER attach है. तो जो ER है वो nucleus से शुरू होके नीचे cell के बिल्कुल end तक खत्म हो रहा है. मतलब cell membrane तक अटैच हो रहा है. तो इसका फंक्शन क्या है कि ये सेल को ऐसे श्रिंक नहीं होने देता, उसको सपोर्ट देके रखता है. क्योंकि ये स्ट्रक्चर, ये ट्यूब प्रेजेंट है तो ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को अटैच करती है और उसको ऐसे श्रिंक नहीं होने देती, ये सेल को सपोर्ट करती है. सेकंड क्या है, इट प्रोवाइड्स अ पाथवे. पाथवे का मतलब होता है रास्ता. इट प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल और आउटसाइड द सेल. मतलब अगर चीज़ों ने सेल के अंदर इधर उधर जाना है या सेल के बाहर जाना है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनको एक रास्ता प्रोवाइड करता है. कैसे, जस्ट सी हियर, इफ सपोज समथिंग इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, समथिंग इज मेड इनसाइड द न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस इट विल मूव टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर वो कहाँ पे जा सकता है, इट कैन मूव फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट कैन मूव आउट. ठीक है, लाइक दिस, और इट कैन मूव आउट ऑफ द सेल ऑल्सो. न्यूक्लियस से वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, खाना जो भी है. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो सेल के इधर उधर घूम सकता है विद इन द सेल, या फिर सेल के बाहर भी निकल सकता है. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रोवाइडिंग अ पाथवे. अ रास्ता, किस चीज़ के लिए रास्ता प्रोवाइड कर रहा है, चीज़ों के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प कर रहा है. सो आई हैव मेड हेयर ऑल्सो द सेम टू डायग्राम्स. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स नो राइबोसोम्स. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स हैविंग राइबोसोम्स, डॉट्स उनके सर्फेस के ऊपर. नाउ व्हाट आर राइबोसोम्स? ठीक है, थर्ड ऑर्गेनेली है हमारी राइबोसोम्स. दीज आर वेरी स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर्स. ठीक है, बहुत छोटे छोटे दाने दाने से होते हैं. अब ये बोल रहा है या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं, सी हियर आई हैव मेड ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डॉट डॉट, या फिर ये साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्री भी हो सकते हैं, कहीं पे भी साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं. Like this, so the ribosomes can be present on the endoplasmic reticulum or inside the cytoplasm. Anywhere they can be present, इधर उधर भी हो सकते हैं. Okay, what is the function of ribosomes? Now they make proteins. हमारी body में अब proteins कहाँ पे बनते हैं, तो you will say ribosomes में बनते हैं. So that's why they are called the protein factories of the cell. जैसे अगर if the question comes where inside your body energy is made, so you will say in the mitochondria of a cell. Now same now the another question is where inside your body proteins are made, you will say in the ribosomes of a cell. So ribosomes are called the protein factories, they make the proteins. Ab aapne yaad rakhna hai ribosomes and endoplasmic reticulum, they are connected. Okay, so these two organelles, that's why I have written them on the same part I have described them. So again I'm revising. Second organelle is endoplasmic reticulum. Please try to pronounce it properly. It is endoplasmic reticulum and the short form is ER. These are tube-like structures, just like tube, and they are of two types. First is rough endoplasmic reticulum. ये rough है, short में इसको RER बोलते हैं. जिसकी surface के ऊपर ribosomes होंगे उनको हम rough बोलेंगे, जिनके ऊपर ribosomes नहीं होंगे उनको बोलेंगे smooth. Now you can say, अगर मैं आपसे पूछूं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से दोनों में से कौन सा प्रोटीन बनाएगा, तो कौन सा बनाएगा? इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से प्रोटीन्स कौन सा बना सकता है, सो द आंसर विल बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज इट इज हैविंग राइबोसोम्स ऑन इट. ओके, सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सबसे पहले दे गिव सपोर्ट टू द सेल. इन दिस डायग्राम सी हियर, दिस इज द न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड द एंड is called the cell membrane. तो nucleus और cell membrane को attach करने वाला है, nucleus और endoplasmic reticulum को attach करने वाला, nucleus, this is the nucleus and this is the cell membrane, दोनों को attach कर रहा है endoplasmic reticulum. ये cell को shrink नहीं होने देता, उसको support दे के रखता है. And it also gives a रास्ता, pathway, ताकि substances जो हैं वो cell के अंदर घूम सकें या फिर cell के बाहर भी निकल सकते हैं. For example, from the nucleus, anything can move into the ER. ER से वो सेल के कहीं पे भी जा सकता है या फिर सेल के बाहर भी निकल सकता है. नेक्स्ट थर्ड ऑर्गेनेली इज राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर वेरी स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर्स, गोल गोल होते हैं. या तो ये ER के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं या साइटोप्लाज्म में फ्रीली कहीं पे भी हो सकते हैं. देयर फंक्शन इज टू मेक प्रोटीन्स. हमारे बॉडी में ये प्रोटीन्स बनाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल.
So the fourth organelle is called the Golgi bodies. They are the stack of parallel flattened sacs, Golgi bodies. अब सबसे पहले flattened का मतलब और disc का मतलब क्या होता है? See here the rice is just like this. Rice का जो दाना होता है it is just like this. लेकिन flat का मतलब होता है ऐसे चपटा, ऐसे like this. If you have seen poha, rice is like this round and poha is just like this flat. So he is saying फ्लैटन डिस्क, फ्लैट ऐसे फ्लैट बहुत सारे डिस्क हैं जो कि पैरेलल हैं. पैरेलल मतलब एक के ऊपर एक, ऐसे बहुत सारे डिस्क हैं और वो स्टैक बना रही हैं. स्टैक मतलब एक लाइन बना रही हैं. सो एक्चुअली इट इज़ अ लाइन ऑफ मैनी. सी वन टू थ्री एंड फोर लाइक दिस स्टैक ऑफ, स्टैक मीन्स लाइन ऑफ मैनी पैरेलल. पैरेलल मीन्स एक के ऊपर एक. फ्लैटन फ्लैट, सी इट इज़ फ्लैट एंड डिस्क, मैनी डिस्क विच आर पैरेलल एंड दे आर मेकिंग अ स्टैक. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब जैसे हम ER को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, प्लांट्स में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, एनिमल्स में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया को प्लांट्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है, एनिमल्स में भी. लेकिन गॉल्जी बॉडीज को एनिमल्स में बोलते हैं गॉल्जी बॉडीज. हाउएवर इन प्लांट्स वी से देम डिक्टियोसोम्स. एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वट आर गॉल्जी बॉडीज कॉल्ड इन प्लांट सेल्स? सो इन प्लांट सेल्स दे आर कॉल्ड डिक्टियोसोम्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ वट आर द फंक्शंस ऑफ गॉल्जी बॉडीज? अगेन गॉल्जी बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. जैसे ER जो था वो चीज़ों को आगे पीछे लेके जा रहा था सेल के अंदर या सेल के बाहर, सेम वे गॉल्जी बॉडी ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ थिंग्स. सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन, गॉल्जी बॉडीज हेल्प इन मेकिंग द सेल वॉल ऑफ द प्लांट. इन द लास्ट वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट द सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट्स और इन केस ऑफ बैक्टीरिया. हम बैक्टीरिया सेल के बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ रहे, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट प्लांट्स. एंड यू नो दैट द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. लेकिन उसको बनाता कौन है? उसको बनाती हैं गॉल्जी बॉडीज. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. जैसे घर पे मम्मा रोटी बनाते हैं तो द चपाती इज मेड बाय योर मॉम, लेकिन इट इज मेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? इट इज मेड विद द हेल्प ऑफ फ्लोर. आटे से बनती है तो आटे से चपाती बन रही है, उसको बना कौन रहा है? योर मदर. सेम वे द सेल वॉल, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज बट इट इज मेड बाय गॉल्जी बॉडीज. बना है सेलुलोज का, बनाया है गॉल्जी बॉडीज ने. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बोथ द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस डिक्टियोसोम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इन प्लांट सेल्स गॉल्जी बॉडीज आर कॉल्ड डिक्टियोसोम्स एंड द सेल वॉल. फर्स्ट क्वेश्चन दिस वन, इन प्लांट सेल गॉल्जी बॉडीज आर कॉल्ड डिक्टियोसोम्स. सेकेंड क्वेश्चन, गॉल्जी बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. एंड थर्ड क्वेश्चन इज सेल वॉल इज मेड बाय द गॉल्जी बॉडीज. ओके, सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, बनी होती है सेलुलोज की, मेड बाय द गॉल्जी बॉडीज. गॉल्जी बॉडीज उनको बनाती हैं. Now the next is the fifth organelle is called the lysosomes. Lysosomes are small sac-like structures, single membrane. ऐसे गोल हैं, sac मतलब बोरी जैसे structures हैं, एक ही membrane है इनके पास, ऐसे गोल है, एक ही membrane है. अब इनके functions क्या है? इनके अंदर बहुत सारे enzymes होते हैं खाने को digest करने के लिए. What are enzymes? Enzymes are juices जो खाने को digest करने में help करते हैं. तो lysosomes के अंदर हैं बहुत सारे enzymes, liquid है जो food को digest करता है. Also kill the foreign bodies. अगर हमारे सेल के अंदर कोई बाहर से कोई भी foreign body आ जाए, जैसे बैक्टीरिया आ जाए, जर्म आ जाए, वायरस आ जाए, तो lysosomes उनको खा लेते हैं. लास्ट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज देयर इन योर क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो. वाई द lysosomes आर कॉल्ड द सुसाइड बैग्स? दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स. सुसाइड का मतलब होता है खुदकुशी करना. इसका मतलब है कि इनके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो दूसरी ऑर्गेनाइज को मार देते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ सपोज द गॉल्जी बॉडी गेट्स ओल्ड, तो ये है गॉल्जी बॉडी. अगर ये गॉल्जी बॉडी बूढ़ी हो जाए तो क्या होगा? जो लाइजोसोम्स हैं उन्होंने इसके ऊपर ऐसे एंजाइम्स छोड़ने हैं जो इन गॉल्जी बॉडीज को मार देंगे. ठीक है, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स, कि वो इनकी सुसाइड करवा देते हैं, इनको मार देते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गॉल्जी बॉडीज. ये देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी बॉडीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. इन योर बुक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड जस्ट लाइक दिस.
समवट लाइक दिस. ओके एंड इन योर बुक कॉल्जी बॉडी इज मेड लाइक दिस. कॉल्जी बॉडी में फ़र्क क्या है कि इनमें एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क के ऊपर तीसरी डिस्क, ऐसे बहुत सारे डिस्क हैं और साइड पे ऐसे गोल गोल भी बने हुए हैं. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉल्जी बॉडीज एंड दिस इज ई आर हेयर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर तो ऊपर राइबोजोम्स हैं तो इनको बोलेंगे रफ, अगर नहीं है तो दे विल बी कॉल्ड स्मूथ. सो देर आर फोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दीज टू ऑर्गेनेलिस. फर्स्ट इज गॉल्जी बॉडीज आर कॉल्ड डैश इन प्लांट सेल्स, दे आर कॉल्ड dictyosomes. Golgi bodies are called dictyosomes. Second important question is, in plants the cell wall is made up of dash, cell wall is made up of cellulose. Third question, in plants the cell wall is made by dash, you will write they are made by the Golgi bodies लिख दो, या फिर particularly आप dictyosomes भी लिख सकते हैं क्योंकि हम plant cell की बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट लाइसोसोम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई लाइसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइड बैग. सो आपने लिखना है कि लाइसोम्स के पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स का मतलब होता है जूस, लिक्विड. ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बाकी ऑर्गेनेलिस को मार देते हैं जब वो ओल्ड हो जाते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स. लाइसोम्स की ऐसी शेप है सैक जैसी गोल, एंड गॉल्जी की शेप है ऐसे, बहुत सारे ऐसे उनके पास डिस्क है, एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क के ऊपर तीसरी डिस्क, एंड दे हैव समथिंग राउंड राउंड लाइक दिस. So the next organelle we are going to talk is the centrosome. You have to remember this, it is very important. Centrosome is present only in case of animal cell, it is not present in plant cell or bacterial cell. So centrosome is an organelle present only in the animal cell, and it is found close to the nucleus, just very close to the nucleus. Just check this diagram. If this is a cell and this is a nucleus, so nucleus ke bilkul close here is the centrosome present. He is saying it has two tiny means small granules means particles called the centrioles. कि ये जो सेंट्रोजोम है गोल सा, इसके अंदर और दो छोटी छोटी पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम बोलते हैं सेंट्रीओल्स. ओके सो व्हाट इज अ सेंट्रोजोम, जस्ट लुक हियर इनटू योर बुक. इफ यू सी दिस डायग्राम ऑफ द एनिमल सेल, if you see this diagram of the animal cell, this is the nucleus, and very close to the nucleus you can see this structure, round structure having two green small green dots in them, this one round structure with black boundary and having small two dots in them. So this full structure is called the centrosome, and iske andar ye jo do green se dots hain particles hain, inko bolte hain centrioles, and it is present very close to the nucleus. Ab inka function kya hota hai, they help the cell in dividing. So one cell divides into 2, 2 into 4, 4 into 8. So what helps in the division of the cell, the centrosome helps in the cell division. Aap CC se yaad rakhna, iske dono points important hai. The question can come like this also, which organelle is present only in case of animal cell, you have to write centrosome. Okay, next, what is the function of centrosome, it helps in C for centrosome, C for cell division. Again I am showing you the diagram here. Just see, this is the diagram of a centrosome. Centrosome is a round structure और ये nucleus के बिल्कुल close होता है. मैंने सिर्फ centrosome बनाया, यहाँ पर nucleus नहीं बनाया. It is having two small particles inside it, and these two small particles are called the centrioles, and the centrosome helps in the cell division. Now the next topic or the next organelle is vacuoles. Now as we have already told that the cell is having a cell membrane on the outside, nucleus is having nuclear membrane. Same way jo vacuole hota hai, inke bahar jo membrane hoti hai usko bolte hain tonoplast. A new term for you, this is very important. Jaise cell ke bahar cell membrane hoti hai, nucleus ke bahar nuclear membrane hoti hai, iske bahar jo membrane hoti hai ek hi layer ki hoti hai usko bolte hain tonoplast. ऐसे ही जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ऐसे ही वैक्यूल्स के अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं सेल सैप. और सेल सैप के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके अंदर वाटर आ सकता है, शुगर्स, मिनरल्स, मतलब खाना आ सकता है. So vacuole is a structure which is, it is an organelle which is present both in plant as well as in animal cell. Okay, I will show you the picture. Just look here carefully. So see here, this is a plant cell. Agar aapko dikhai de raha hai, to this bigger one is called the vacuole. See here, they might have see, this is the vacuole here. This bigger one is the vacuole. ये है plant cell में. Okay, एक ही vacuole है, लेकिन एक vacuole जो है वो बहुत बड़ा vacuole है. Now see this animal cell. Animal cell में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
थ्री फोर, फोर वैक्यूल्स हैं, बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं लेकिन उनका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है. सो नाउ इफ दिस इज अ वैक्यूल, जो इसके बाहर ये जो मेम्ब्रेन है मैं उसको बोलूंगी टोनोप्लास्ट, जो बाहर मेम्ब्रेन है उसको बोलेंगे टोनोप्लास्ट. इसके अंदर जो लिक्विड होगा उसको बोलेंगे सेल सैप, और सेल सैप के अंदर क्या क्या आएगा, देयर विल बी वाटर, शुगर्स, मिनरल्स एक्सेट्रा. ओके, सो दिस इज अबाउट वैक्यूल्स. नाउ सी प्लांट सेल, अभी हमने डायग्राम देखी कि प्लांट सेल में वन वैक्यूल होता है और वही वैक्यूल बहुत लार्ज होता है, लेकिन एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे, या फिर कई बार नहीं भी होते, कई एनिमल्स में वैक्यूल नहीं भी होते. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल, क्योंकि ये एक थैले के जैसा होता है, लाइक अ सैक लाइक स्ट्रक्चर. इट विल स्टोर द फूड एंड वाटर, अंदर इसके पानी है, जो इसके अंदर सेल सैप होता है उसके अंदर वाटर होता है, एंड इट इज ऑल्सो हैविंग द फूड इन इट. ओके, नेक्स्ट इज इट मेक्स अ सेल टर्जिड, टर्जिड मतलब हार्ड, and keeps the cell in shape. Now what is the meaning of this? For example, just take the example of a balloon. When you fill the balloon with water, the balloon becomes hard. Same way, ये जो vacuole है, जब इसके अंदर बहुत सारा पानी जमा होगा तो वो cell को hard बना देगा, उसको turgid बना देगा, और वो cell की shape भी maintain रखेगा. जैसे balloon की shape अगर आपने देखनी है तो आपको या तो उसके अंदर हवा भरनी होगी, या you have to fill water in it or air into it. Then only you will come to know what is the shape of the balloon, whether it is a heart shape or it is a round shape. बलून. सेम वे द वैक्यूल, वैक्यूल का फंक्शन है पानी को स्टोर करना, फूड को स्टोर करना. क्योंकि इसके अंदर पानी होता है, उसके कारण क्या होता है, पूरा जो सेल है, ये जो पूरा सेल होगा, क्योंकि देखो वैक्यूल के अंदर बहुत सारा पानी होगा, खाना होगा, इसके कारण क्या है, ये जो पूरा सेल है वो श्रिंक नहीं होता, ऐसे सुंगरता नहीं है, और सेल की शेप मेंटेन रहती है और वो हार्ड ही रहता है. ओके, सो दीज वर द टू ऑर्गेनेल्स. फर्स्ट वन वॉज द सेंट्रोसोम, which is present only in case of animal cell. This is a diagram showing centrosome. इस cell में क्या है, nucleus के बाहर, nucleus के बिल्कुल close centrosome है, and centrosome के अंदर there are two small particles called centrioles, and centrosome helps in cell division. Next is vacuole. This is the structure of the vacuole. Vacuole के बाहर जो single membrane होती है, layer होती है, उसको बोलते हैं tonoplast. अंदर जो liquid है, that is called the cell sap. Cell sap के अंदर food है, food कैसे, sugars है, minerals है, वाटर भी है. ठीक है, प्लांट्स के अंदर बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, एक ही होता है. एनिमल्स के अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं. वैक्यूल्स का काम क्या है, वाटर को स्टोर करना, फूड को स्टोर करना. क्योंकि इसके अंदर पानी जमा है तो सेल जो है वो टर्जिड रहेगा, टर्जिड मतलब हार्ड, वो श्रिंक नहीं करेगा, सुंगड़ेगा नहीं, और उसकी जो शेप है वो भी मेंटेन रहती है. दिस इज द डायग्राम शोइंग द सेंट्रोसोम, पूरा सेंट्रोसोम है, और सेंट्रोसोम के अंदर दो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कॉल्ड सेंट्रीओल्स. So the next organelle is the plastids. Actually, the plastids are present only in case of plant cells. As we have already talked that in the animal cell, only centrosome is present only in case of animal cell. Same way, the plastids are present only in case of plant cell. You will find the plastids only in the plant cell, not in the animal cell. These are double membrane organelles. इनके पास दो membrane होती हैं बाहर, and इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर generally pigments होते हैं. Pigments मतलब liquids होते हैं. So प्लास्टिड को आपने ऐसे याद करना है, पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट सेल एंड पी फॉर पिगमेंट्स. प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स एंड दे हैव पिगमेंट्स. पिगमेंट्स का मतलब इनके अंदर लिक्विड्स होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट टाइप ऑफ लिक्विड्स. सो द प्लास्टिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. एक्चुअली दिस टॉपिक इज हाईली इंपॉर्टेंट. लाइक आई टोल्ड यू, सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ एनिमल सेल, उनका फंक्शन क्या था, सेल डिवीजन. सो ऐसे ही प्लास्टिड्स के थ्री टाइप्स हैं. फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट. फर्स्ट वर्ड इज क्लोरो एंड प्लास्ट. द वर्ड क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल एंड प्लास्ट मतलब कि प्लास्टिड. तो इनके अंदर कौन सा पिगमेंट होगा, इनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, और ये ग्रीन कलर देगा लीव्स और स्टेम्स को. मैंने बताया कि प्लास्टिड्स होते हैं वो ऑर्गेनेल्स जिनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं. अब पहली प्लास्टिड का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट ऐसी प्लास्टिड है जिनके अंदर दे विल बी हैविंग क्लोरोफिल. ओके, एंड क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट और अ लिक्विड. इट विल गिव ग्रीन कलर टू योर लीव्स एंड टू योर स्टेम्स. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल. नाउ वाई इट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इज हैविंग क्लोरोफिल. क्लोरोफिल का काम क्या है, सनलाइट को ट्रैप करना, उसको पकड़ना. अगर सनलाइट आ गई तो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो खाना बनेगा. खाना बनाना है मतलब कि वो किचन है.
So you're going to write 4 points. Question is, why chloroplast are called the kitchen of the cell? आपने लिखना है chloroplast are the plastids having chlorophyll. They have chlorophyll. So we are going to talk about chloroplast. I was telling chloroplast means the plastids. पीछे से शुरू करना है. Plastids having pigment called chlorophyll, and chlorophyll is a green color pigment. The function of chlorophyll क्या होता है? It traps the sunlight. Now if the sunlight is there, it can do photosynthesis and finally can make the food, and therefore it is called the kitchen of the cell. Because it is green pigment, it will give green color to the leaves and the stems. Now the second type of plastid is the plast. Now the word chromo. Chromo का मतलब होता है color, color. Okay, and plast means plastid. So these are the plastids which are colored, which are having colored pigments, and they are present in flowers, fruits, and they give red, orange, and yellow color to them. Okay, plastids जो colorful हैं और जो fruits and flowers को different different colors देते हैं. Now don't get confused. Chloroplast सिर्फ green color देंगे, chromoplast अलग अलग colors देंगे, red, orange, yellow, like this. Okay. Last plastid is leucoplast. The word leuco means colorless plastids, means white plastids which do not have any pigment. Plastids which are colorless, which do not have any pigment, they do not give color, but actually they store the food. Jaise fats, proteins, ye khana store karenge, and ye potato, ginger, onion wagera jinko hum khate hain, carrot ho gaya, radish ho gaya, okay, all these things, all in vegetables, leucoplast is present. So if I ask you the question ki which type of plastid is present in the flowers and the fruits, you will remember that the flowers and the fruits, they are of red color, orange color, means they are colorful, so they will have chromoplast. If I ask what type of plastid is present in the leaves and the stem, you will write chloroplast because they are green in color. Now if I ask what type of the plastids are present in the potato, in ginger, which store the food, you will write leucoplast. Now a small description about them. See here, chloro. The word chloro means chlorophyll. Chloro means green. Chromo. Chloro है यहाँ पे chromo है. Chloro means green. Chromo means color. And leucio means colorless या फिर white. Leucio. And plast का मतलब है plastid. Okay. Plast means plastid. Chloro मतलब green वाली plastid. Chromo मतलब colorful plastid. And leucio मतलब की colorless plastid. So again I'm going to revise this topic. This topic is about the plastids, and the plastids are present only in case of the cells, not in the animal cell. Okay, they are double membrane organelles and they have pigments in them. इनके पास अलग अलग liquids होते हैं. First type of the plastid is chloroplast because it is chloro and plast. पीछे से शुरू करेंगे. Plast मतलब कि plastid having chlorophyll. Green color pigment है इनके अंदर chlorophyll. Because ये green color का pigment है तो ये green color देंगे leaves और stem को. They are also called the kitchen of the cell. Why they are called the kitchen of the cell? Because they have chlorophyll. ओके, क्लोरोफिल विल ट्रैप द सनलाइट को पकड़ेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और खाना बनाएंगे. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट. सी हियर, दिस इज अ डायग्राम शोइंग क्लोरोप्लास्ट. सो क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली. फर्स्ट मेम्ब्रेन, सी हियर आई विल मार्क, दिस इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन इनर वन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, फर्स्ट मेम्ब्रेन, सेकंड मेम्ब्रेन, दिस इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो पानी पानी सा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, और ये जो सेल्स हैं दे आर कॉल्ड ग्रेना. तो ग्रेना के जो सेल्स हैं इनके अंदर क्लोरोफिल होती है. ओके, दे आर हैविंग क्लोरोफिल. डोंट इमेजिन कि दिस लिक्विड इज द क्लोरोफिल. नो, क्लोरोप्लास्ट के पास दो पार्ट्स हैं. एक है स्ट्रोमा जो ये लिक्विड है, दूसरे हैं ये गोल गोल सेल्स जिनको हम ग्रेना बोलते हैं. और इन सेल्स के अंदर, यहाँ पे अंदर, देयर विल बी क्लोरोफिल स्टोर्ड. ओके, क्लोरोफिल की होती है जो हमारे लीव्स और स्टेम को ग्रीन कलर देंगी और जो फूड बनाने में हेल्प करेंगी. नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट. Plast means plastids and chromo means colored. So these are the plastids which are colored and they will give color to your flowers and fruits, red, orange and yellow color. Last one, leucoplast. Plast means plastid and liquid. Leucio means colorless plastids or white plastids. Because they are colorless, they have no pigment, they will not give any color, but their function is to store the food. Khana store karenge, jaise vacuole ne store kiya tha, like fats, proteins, etc. And they are found in the vegetables like potato, ginger, etc. So in the stem and the leaves we have chloroplast, in the stem and the leaf, in the flower and the fruits we have
chromoplast. And in potato ginger means in the, we can say vegetables, we generally have the leucoplast. Now, show you the diagram. See here, in the, in this plant cell, you can easily find out the plastid. See here, this is the plastid shown here. Ye jo green color ki, actually, inhone ye chloroplast dikhaya hua hai. Chloroplast. Okay, so here plastid is present in plant cell. Lekin agar aap animal cell dekho, to wahan pe kahin pe abhi aapko plastid nahi dikhai degi. There is no plastid here. Okay, animal cell mein farak kya hai? Unme centrosome tha. ओके सेंट्रोसोम था यहाँ पे. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लास्टिड प्रेजेंट है और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल वॉल भी प्रेजेंट है. यहाँ पे वैक्यूल बहुत बड़ा है, यहाँ पे वैक्यूल छोटे छोटे हैं. तो ये होते हैं फ़र्क, डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल. प्लांट सेल इज़ हैविंग प्लास्टिड, एनिमल सेल नो प्लास्टिड. प्लांट सेल इज़ हैविंग सेल वॉल, एनिमल सेल नो सेल वॉल. एनिमल सेल इज़ हैविंग सेंट्रोसोम, प्लांट सेल नो सेंट्रोसोम. For the organelles which are present only in case of plant cells, we have already discussed P for plants and P for plastids. So plastids are present only in case of plant cell and also cell wall. Cell wall is present only in plant cell. Next, organelles present only in animal cell are the centrosomes. So centrosome is the only organelle that is present in animal cell, not in the plant cell. Now what are the differences between plant cell and the animal cell? I already told. See, cell wall प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट. प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है. वैक्यूल्स हमने देखा था कि प्लांट सेल में एक ही था और वो बहुत बड़ा था, लेकिन वैक्यूल्स जो एनिमल सेल में थे वो बहुत सारे थे. 4 आई हैव शोन इन द डायग्राम एंड दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. ओके, नेक्स्ट, सेंट्रोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में एब्सेंट है. This is also one exception. Point number 5, it is given in your book and also drawn in the diagram. Lysosomes are absent in case of plant cells, but they are present in case of the animal cells. So plant cell में वैसे आपने इसको लिखना नहीं है. Generally lysosomes हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. तो आपने 5th point को consider नहीं करना. You will write cell wall is present and plastids are present only in plant cells. एनिमल सेल्स में द सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट. वैक्यूल्स बड़े होते हैं प्लांट सेल में एंड वैक्यूल्स छोटे होते हैं एनिमल सेल में. नाउ व्हाट आर सेल इंक्लूजन्स? दिस इज गिवन इन योर इनसाइड बॉक्स ऑफ योर दिस चैप्टर द सेल. सो सेल इंक्लूजन्स का मतलब है, जनरली हम बात करते हैं कि जो वैक्यूल होता है वो वाटर एंड फूड को स्टोर करता है, लेकिन कई बार वैक्यूल के अंदर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं जो खाने को छोड़ के हों, जैसे फैट्स नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है. उसके अंदर वैक्यूल के अंदर अगर ऑयल है कोई या गम है, गम मींस ग्लू है, तो इन चीजों को हम बोलते हैं सेल इंक्लूजन्स. कि अगर वैक्यूल या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर फूड या वाटर की जगह कोई नॉन लिविंग चीज है, जैसे कि ऑयल है, गम है, तो उन चीजों को हम बोलते हैं सेल इंक्लूजन्स. टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सेल डिवीजन. सेल डिवीजन का मतलब होता है कि जब एक पेरेंट सेल दो में डिवाइड कर जाए तो दो सेल्स को बोलते हैं डॉटर सेल्स. जो सेल डिवाइड कर रहा है उसको बोलेंगे पेरेंट सेल, और जो नए सेल्स बन रहे हैं उनको बोलेंगे डॉटर सेल्स. नाउ डोंट थिंक दैट सेल्स आर डॉटर. डॉटर मीन्स दैट सेल इज अ गर्ल और अ बॉय. नो, हेयर डॉटर डजेंट मीन दैट द सेल्स आर अ गर्ल और दे हैव सम जेंडर. नहीं, हमारी स्किन के अगर सेल्स की आप बात करो तो उनमें कोई बॉय या गर्ल नहीं होता. डॉटर वैसे ही इन्होंने कोई नेम दिया है न्यू सेल्स को. जो नए सेल्स बनते हैं उनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि वो गर्ल सेल्स हैं. नो, ओके. सो सेल डिवीजन का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, फिर आगे वो डॉटर सेल्स 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं. सो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल, दिस इज पेरेंट सेल, डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, दीज 2 डॉटर सेल्स, विच फर्दर डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल्स. आगे वो फिर 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होंगे. अब क्या होता है कि जो हमारा न्यू सेल बना, जो न्यू डॉटर सेल बना, वो बहुत छोटा है साइज में, तो वो खाना खाएगा, खाना उसके अंदर जाएगा एंड द साइज विल इंक्रीज. जब उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा फिर आगे फिर वो दो में डिवाइड करेगा. मतलब सपोज करो, सी हियर, इफ दिस इज अ पेरेंट सेल, ओके, दिस पेरेंट सेल हैज़ डिवाइडेड इंटू 2 डॉटर सेल्स. अब सपोज मैंने ये फर्स्ट वाले सेल को दोबारा डिवाइड करवाना है, ओके, तो जो फर्स्ट सेल है उसका साइज बहुत छोटा है, सबसे पहले वो खाना खाएगा, उसके अंदर फूड जाएगा एंड द साइज विल इंक्रीज, फिर ये वाला दो में आगे डिवाइड करेगा. दिस इज अ प्रोसेस. अब प्रोसेस में होता क्या है, जो पेरेंट सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा. न्यूक्लियस जो है वो अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेगा. उसके बाद जो सेल की मेम्ब्रेन है वो डिवाइड करनी शुरू हो जाती है और न्यूक्लियस बिल्कुल साइड पे चले जाते हैं एंड फाइनली द सेल डिवाइड्स. जस्ट सी हेयर ऑन माई हैंड्स, सी हेयर, इफ दिस इज अ सेल, सपोज
Suppose this is a cell and inside there is nucleus somewhere. So what will happen? First of all, the nucleus which is present in the center, it will divide into two parts. Here one nucleus, here another nucleus. Then what happens? The cell membrane, ye jo bahar cell membrane hai, it will divide and like this it will start dividing. Aur dekho, ek nucleus udhar hai, ek nucleus idhar hai, and finally the two cells will split. ब्रेक हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे. तो पेरेंट सेल के पास न्यूक्लियस है अंदर, ठीक है. सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा दो हिस्सों में, न्यूक्लियस फिर दूर दूर चले जाएंगे और फिर जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है वो डिवाइड करनी शुरू हो जाएगी लाइक दिस. आई हैव शोन दिस इज अ सेल, द सेल मेम्ब्रेन विल डिवाइड लाइक दिस एंड फाइनली द टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन पेरेंट सेल. सो दिस डेफिनेशन ऑफ सेल डिविजन इज एंड द डिफरेंसेज बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर द सेल. होप यू हैव इंजॉयड इट एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट चैप्टर. So I request all of you to please write down the names of all the organelles on your notebook and also learn their pronunciation. Mitochondria ko kaise bolte hain, chloroplast ko kaise bolte hain, then ribosomes, lysosomes, centrosome, like this. Please write down all the spellings on your rough notebook or on the fair notebook for revising. Thank you. Good morning students. So this is the model of an animal cell. Now let's look at the parts, different parts of the animal cell. What all the parts are present inside the animal cell. So you can see this orange color membrane, this on the boundary, this is called the cell membrane. This one on the outside is called, this outside round membrane is called the cell membrane. Then inside the cell membrane, this liquid, all the liquid inside, this all liquid is shown down. This is the cytoplasm. Okay, so this is a cell membrane. Inside it there is, this is a cytoplasm. Then finally comes, this is the nucleus. This in the center is the nucleus. Outside the nucleus is the nuclear membrane. Bahar kare nahi to. Good morning students. So this is the model of an animal cell. Now let's look at the parts, different parts of the animal cell, what all the structures are present inside the animal cell. First, this outer membrane, this on the boundary, this on the side is called the cell membrane. So number one, this is a cell membrane on the outside. Then you can see this pink color liquid downside in the center, all everywhere in the inside the cell membrane, this liquid is called the cytoplasm. Now in the center, in the center of the cell, this round ball like structure is called the nucleus, and the nucleus is surrounded by a nuclear membrane. Like we have cell membrane on the outside of the cell, same way we have the nuclear membrane on the outside of the nucleus. So this is the nuclear membrane. Okay, inside the nucleus there is nucleoplasm. This blue color liquid is called the nucleoplasm. This round small structure inside the nucleus is called the nucleolus, and these thread like structures are called the chromatin fiber. So we have done six structures. Number one is the cell membrane on the outside. Cell membrane number one. Number two, cytoplasm. This pink color structure everywhere, pink color liquid. Then number three, this whole structure is called the nucleus. Number four is the nuclear membrane. Number five is the nucleoplasm. Number six, nucleolus. And number seven are the chromatin threads or the chromatin network. So these are the chromatin network. Now starting from the nucleus, we have this structure, snake-like structure. This is called endoplasmic reticulum, and this endoplasmic reticulum is rough endoplasmic reticulum. Why it is rough? Because you can see these brown dots on it, because these rough endoplasmic reticulum, this one is having ribosomes on its surface. So actually it is rough endoplasmic reticulum. This one is the rough endoplasmic reticulum. Now this is a smooth endoplasmic reticulum having no ribosomes. Okay, now this one, this structure is called the Golgi bodies. Number this one, Golgi bodies. Then after this, this one is called the mitochondria. We have two mitochondria shown here, number one this one, and we also have one this one too. So we have two mitochondria, and then you can see this structure is only present in case of animal cell. This is a centrosome. This structure is present only in case of animal cell called the centrosome, and it is having two dot like structures inside called the centrioles. These two dots are called the centrioles, and this structure is called lysosomes. This one is called the lysosomes.
Okay, lysosomes. Now let's revise the whole again. So number one, we have the cell membrane on the outside, which is also called the plasma membrane, the cell membrane or the plasma membrane. Number two, we have pink structure everywhere inside the cell membrane or the plasma membrane called the cytoplasm. Number three, this whole ball is called the nucleus. Okay, this nucleus, around the nucleus there is nuclear membrane. And inside the nucleus, this blue color liquid is called the nucleoplasm. Then we have this dot inside called the nucleolus. And these thread-like structures called the chromatin fiber or the chromatin network. Then we have the snake-like structure called the endoplasmic reticulum. It is called rough endoplasmic reticulum because it is having ribosomes on it. And this one is the smooth endoplasmic reticulum having no ribosomes. Then this one is the Golgi bodies. This one, Golgi bodies. Then we have this structure called the mitochondria. Then this is called the centrosome, having two centrioles inside it. Finally, we have the lysosomes. This one is the lysosomes. And you can also see this small structure. This is called the vacuole. This one is called the vacuole, small structure called the vacuole. So this is the model of an animal cell. So this is the model of a plant cell. These all structures are seen in a plant cell under the microscope. Now let's see the parts of the plant cell. In a plant cell, I have already told you that there is a difference, that there is one cell wall on the outside. So just see carefully, there are two green lines shown here, two green lines. The outer green line is called the cell wall and the inner green line will be called the cell membrane or the plasma membrane. So the outer one, this one on the outside, is called the cell wall. In case of plant cell only it is present, and on the inner side it is called the cell membrane. Then rest everything is same. So number one, cell wall. Number two, cell membrane. Number three, this liquid inside, this everywhere, this liquid. Okay, this liquid is called the cytoplasm. Then we have number cytoplasm is there. Number four is the nucleus, this in the center. Again same thing, the nucleus is having a nuclear membrane outside it, nucleoplasm inside it, then nucleolus inside it, and these are the chromatin fibers. You can also call them chromosomes. Next we have this endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, this is rough one because it is having ribosomes on it, brown color structures. And this endoplasmic reticulum is called the smooth endoplasmic reticulum, having no ribosomes. This one is the Golgi bodies. This one, Golgi bodies, we have seen. Okay, Golgi bodies. Then here mitochondria. Then we can see the mitochondria somewhere here. So this is the mitochondria. Actually, they have not shown it properly. So here, in here, this is the mitochondria. This one is the mitochondria. They have not shown it properly. Mitochondria is here. And then we have, this one is the vacuole here. The vacuoles are generally big in case of plant cell, but they have shown very small. So this is the vacuole here. And this one is the lysosomes. This one, the lysosomes here. And last one is the, this one. This is called the chloroplast. If you see the structure very carefully, you can see green color. It is green from the inside. Why it is green from inside? Because it is chloroplast. And chloroplast inside is having chlorophyll. Okay. So this is the chloroplast. Now let's revise all the structures present in it. So number one, on the outside, number one on the outside we have the cell wall. Then number two, inside it we have the cell membrane. So number one, cell wall. Number two, cell membrane, also called the plasma membrane. Number three, this liquid is called the cytoplasm. Then number four, this nucleus, whole portion is called nucleus. Outside the nucleus there is nuclear membrane, inside it there is nucleoplasm. Then we have nucleolus in the center, and then we have this chromatin fibers. Okay, chromatin fibers we have here. Then this one is the rough endoplasmic reticulum because ribosomes are present. So this is called the smooth endoplasmic reticulum, having no ribosomes on it. It is smooth endoplasmic reticulum. Then we have, this is called the Golgi bodies here. So this is the Golgi bodies here. And see, this one is the mitochondria. It is shown very properly. So this one is the mitochondria here. And these are the vacuoles present. Vacuoles are present. And this one is the lysosomes. And the last structure is the
chloroplast. Chloroplast showing chlorophyll in it. So this is green color structure, chloroplast having chlorophyll inside it. So just see, this one is the endoplasmic reticulum and it is rough one because it is having ribosomes on its surface which are called the protein factories. And this is the mitochondria. The only difference in plant cell and animal cell is that plant cells have chloroplast. This structure is present only in plant cells, and plant cells also have a cell wall here. You can see here that there is no centrosome here, whereas in case of animal cell there was a centrosome. Here there is no centrosome. This is the difference. So this is a microscope, this is a compound microscope. Now see, how do we look at it? So this is the lens from where we generally see. Okay, this is the lens from where we generally look into whatever we want to see. And just see, this is a glass slide. What we do, so this is a glass slide. What we do, whatever we have to see, we generally scratch it on the surface. Suppose we want to see the cheek cells. So what we will do, we will put the toothpick into our mouth, scratch the cheek cells, and then we will scratch the toothpick on its surface like this, aise aise karke. Fir uske upar we are going to put some iodine solution. Why do we put an iodine solution on it? So as to give it color, because the cells are generally transparent. So to give it color, we are putting few drops of iodine over it. Iodine dalne ke baad hum dalte hain glycerin. Glycerin dalne ke baad hum usko fir aise cover kar dete hain with a cover slip. You are not able to see it properly. See, this is a cover slip. If you can see this one, this is a cover slip. Okay, so we generally cover the cells with a cover slip. Hum glycerin isliye dalte hain taki glass slide aur jo cover slip hai wo uske sath stick ho jaye. Then when what we do, we generally take this glass slide. Ye hai glass slide and this is the cover slip usko cover karne ke liye. When we scratch it, we generally scratch the cells. After scratching, we put drops of iodine over it. आयोडीन डालने के बाद वी पुट ग्लिसरीन ऑन इट. ग्लिसरीन डालने के बाद हमने ऐसे कवर स्लिप उसके ऊपर रख देनी है ताकि वो उसके साथ स्टिक कर जाए. एंड देन वी आर गोइंग टू प्लेस दिस यू नो ग्लास लाइट अंडर द माइक्रोस्कोप हेयर. ओके, जस्ट अबव द लेंस, नीचे लेंस है. एंड देन वील डू इट लाइक दिस. एंड देन वी लुक फ्रॉम द टॉप. वी जनरली लुक फ्रॉम द टॉप. फ्रॉम हेयर वी जनरली लुक. आई हमने अपनी यहाँ पे रखनी है. एंड देन वी विल बी एबल टू सी ऑल द सेल्स इन साइड. वॉट टाइप ऑफ सेल्स आर देयर.